कैमरे तो फिट करने दो हमें, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो इस पे कर दो, कर लो। पहले तो सबको मैं इस तरफ से जय शनिदेव, जय शनिदेव। मैं कल पहली बार आई हूँ यहाँ पे आके, मेरे को ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है क्या होना है, क्योंकि पहली बार किसी को पता नहीं चलता। जब मैं आई कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे बैठे हुए हैं कि जो इस धाम की बुराई करते हैं, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इतनी बीमार थी कि जब भी मैं बीमार होती हूँ सीधा एडमिट होती हूँ, मतलब कि ना ही आगे वंश पड़ रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है। मैंने 6 महीने से मनु भैया की लाइव वीडियो देखी, जब मैं आई यहाँ पे पहली बार तो मेरे पेट में और मेरे सर में इतनी दर्द थी। जब मैं पहली बार आई तो मेरे को एकदम से आराम मिल गया, तो मेरे को उन्होंने जो बताया, जो भी मेरे पे किरिया है, जो भी बताया मुझे, और मेरे को इतना विश्वास है कि अगर मैं यहाँ पे आती रहूंगी तो गारंटी है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और मम्मी है, मम्मी को गौतम भैया ने बताया कि थोड़ी मेंटली वो है, दिमाग की दवाई चलाओ, और मुझे ये भी विश्वास है कि दवाई से ज्यादा बेटर जो हम यहाँ से शनिदेव महाराज जी का तेल लेके जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि कोई भी नस ब्लॉक होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। हमें ये विश्वास है कि आप सब लोग क्रिश्चियन मत बनो, अपने हिंदू धर्म को ऊंचाई पे लेके आओ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पंजाब, पूरा पंजाब शनि धाम में आएगा बस। और हमें मनु भैया जैसे, आपको कैसे पता कि पंजाब क्रिश्चियन बन चुका है? हमारे साथ में रहते हैं वो, देवी देवताओं की फोटो कूड़े में फेंक रहे हैं। फिर मनु भैया कौन है एक बात बताओ, जब देवी देवताओं की ही बुराई करते हैं तो वो कूड़े में फोटो फेंक रहे हैं और क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। बता रहे हो, मनु भैया ने तो ऐसा झेला है कि ढाई ढाई साल तक लोगों ने यहाँ मेरे यहाँ शनि धाम में ऐसे है जो बोल रहे हैं कि मनु भैया ट्रस्ट में यहाँ से पैसा आता है, वहाँ से पैसा आता है, ये सब ढकोंसला है, ये है वो। खुद मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। रात को जब हम बाहर निकले खाना लेने के लिए तो वहाँ पे हमें एक आदमी मिला, उसने बोला कि मैं अपने लड़के को लेके आया था शनि धाम में, ये सब कुछ नहीं है, सब ऐसे है, आप ऐसे करो, आप पानीपत जाओ। उसने मुझे एड्रेस भी दिया, सब कुछ दिया। जब हमने उसका पूछा तो वो बोला कि 21,000 रुपये लेगा। तो फिर हमने बोला कि जो बंदा पैसे लेके इलाज कर रहा है वो तो उसको पैसे को लालच है, नहीं, और उसका कमीशन है, नहीं बता हुआ। और मनु भैया जी देखो, आप सबको, आप करौली कानपुर में 1.5 लाख रुपए कैसे दे आते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। एक आदमी आपको हमेशा ऐसा मिलता है जो आपको ये विश्वास दिलाएगा कि मेरा गुरु ही सब कुछ है, और वो क्या करेगा, क्योंकि उसका कमीशन है 1.5 लाख में से 50,000 रुपए। आप समझे नहीं, आप सारी जिंदगी नहीं कमा सकते। अगर आपको आज देखिए, हमारी कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं और कितने पढ़े लिखे लोग ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जो जहां पे उनको आदमी जोड़ने का पैसा मिलता है कि नहीं, तो फिर ऐसे दरबारों में भी तो ऐसे लोग काम करते हैं जहां पे उनको जोड़ने का पैसा मिलता है, यहां तो 1,25,000 रुपया मिलता है। और एक बात बताइए, मैं सीधी सी एक बात बताऊंगा भाई, आप लोगों में से कुछ तो ऐसे हैं तो 2-3-4 बार ही आए, फिर भी मुझे एक बार फिर से वो लोग हाथ खड़े करके दिखाए जिनको आराम पड़ा है, जिनको आराम पड़े। अब मुझे बताइए, दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा दरबार है जहाँ इतने लोग एक साथ हाथ उठा दे। और एक बात, मैं खड़े होकर सबसे पूछता हूँ कि नहीं पूछता हूँ, आपको कितना आराम है, आप कितनी बार आए, मैं छिपाता कुछ नहीं हूँ। हमारी वीडियो में भी जारी होता है कि एक आदमी ये कह रहा है जी मैं 26 बार आया हूँ, फिर मैं उसको समझाता हूँ आपकी समस्या मजबूत है, ऐसी नहीं है। और प्रेत ऐसा नहीं है कि एक बार आपके शरीर में रम जाए तो एक मिनट में निकल जाएगा, इसलिए जाके क्रिश्चियनों के यहाँ धक्के खाते रहते हैं, 8-8 महीने पड़े रहते हैं मजारों पे, 8-8, 10-10 महीने पड़े रहते हैं। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के भी धर्म तीर्थ है, वहाँ 10-10 साल पड़े रहते हैं तो भी उद्धार नहीं होता, आए ना समझ में। मनु भैया के यहाँ तो जितनी तेजी से काम होता है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं काम नहीं होता। और मैं तो इसलिए हाथ उठा के घुमा के कहता हूँ आ जाओ, 400 आदमी मैं लिख के दे देता हूँ, 400 आदमी नए ले लो, वो आके मेरे 100 आदमियों को ठीक करके दिखा दो 400 में से। तो मैं तो ये कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब जो आसपास के लोग बुराई करते हैं वे क्यों बुराई करते हैं आप समझे नहीं है। मनु भैया से तो यहाँ उनको घंटा नहीं मिलना, और वहाँ जाके उनको 25,000 में से 20,000 रुपए मिलने हैं कमीशन। मैं सबसे आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि इस धाम को इतनी ऊंचाई पे लेके जाओ कि लोग यहाँ में आए और क्रिश्चियन बनना छोड़ दें और हिंदू धर्म को आगे लेके जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मनु भैया जी को, मैं तो कहती हूँ मेरी उम्र भी इनको लग जाए, और हमें ऐसे गुरुजी कभी भी नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल एकदम फ्री और गारंटी के साथ हम सबका इलाज करें, हमें परेशानियों से दूर कर रहे हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहे हर रोज। और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं हाथ उठाना, जो रेगुलर आ रहे हैं।
मैं तो पहले दो दिन से जो जो पुराने आ रहे हैं वो हाथ उठाएं, जो रेगुलर आ रहे हैं मतलब 4-5 बार आए हैं 6 बार आए हैं वो हाथ नीचे कर लें बस, और जो पुराने आ रहे हैं जो 10 बार आए हैं 15 बार आए हैं वे हाथ उठाएं। ये देखिए ये लोग हैं, तो क्या आपको आराम नहीं पड़े भाई? आपको आराम पड़ रहे हैं, आप तभी आ रहे हैं, वरना कोई ना आए। ऐसा ही है कि नहीं है? बोला जोर से, ऐसा ही है। और आप क्या हर रोज आते हो या हर रोज में गैप भी देते हो? गैप देते हो ना, तो हर रोज मेरे पास तो भीड़ ही आती है ना, तो वो कहाँ से आती है, वे कौन लोग हैं ये भी बता दो मुझे फिर। और हर रोज इतने ही हाथ उठते हैं, यानी कि 99% हाथ आप उठे हुए देखते हो, ठीक है, जो एक दो बार आया बस उसी को आराम नहीं है, बाकी सबको आराम है। ऐसा क्या है फिर शनि धाम में? फिर भीड़ टूटती क्यों नहीं है? मैं तो फ्री में इलाज कर रहा हूँ, आदमी ये सोचे फ्री में इलाज कर रहा है कहीं और जाके करा लो, नहीं समझे। उत्तरोत्तर हमने कम पैसा क्यों किया? एक बात बताओ, जब मैं 16,000 लेता था तब 16 भी तो तुम ही देते थे, जब मैंने 8 लिए तब 8 भी तुम ही देते थे, जब मैंने 4 लिए तब 4 भी तुम ही देते थे, जब मैंने 2100 किए तब 2100 भी तुम ही देते थे। आज मैंने फ्री कर रखा है क्योंकि मैंने पहले भी 20 साल फ्री काम किया, तब भी फ्री आप ही हो, नहीं समझे आप। मैं तो आपसे जो लूंगा, आप तो क्या कहते हैं सहारा ढूंढने के लिए आए, अपने आप को ठीक करने के लिए आए, और मेरा वजूद ये है, मैंने हमेशा ठीक करके दिखाया लोगों को, और मेरा वजूद ये है, हमारी जितनी वीडियो थी ठीक होने की, इतनी दुनिया में आज तक किसी महात्मा की नहीं, किसी संत की नहीं, किसी परवरदिगार की नहीं, आया समझ में, और किसी जीसस की नहीं ठीक करने की लोगों की, आया समझ में। तुम्हें मैंने इतनी बड़ी बात बता दी है फिर भी तुम्हें समझ में आए तो बात अलग है, अब समझ में आए। देख लो यीशु मसीह की पूरी वो किताब पढ़ लो, पूरी की पूरी टोटली, उन्होंने कितने शैतान निकाले, उतने मनु भैया एक दिन में निकालते हैं, जबकि भगवान नहीं है वो ईश्वर है, फिर भी मैं ये कहता हूँ वो उनके ईश्वर है। मनु भैया को पसीना आता है आगे ना, तुम खुद सोचो कि हमने डॉक्टरों की कितनी वैरायटियां फैल कर रखी है, हैं? डायबिटिक पेशेंट यहाँ ठीक होता है, कैंसर वाला यहाँ ठीक होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपको ये सारे रोग है नहीं, ये रोग प्रेत ने दिए हुए, इसलिए ठीक होता है। मैं बीमारियां ठीक नहीं करता, बीमारियां ठीक करता था, मेरी नाड़ी एक दबी हुई है उसी को ठीक कर लेता, आया ना समझ में। अपनी पत्नी के रोग को, शुगर को ठीक कर लेता, कदापि किसी को बीमार होने नहीं देता अपने कुल में, अपनी रिश्तेदारियों में, आया समझ में। हाँ, तो क्या निकालता हूँ? केवल प्रेत। क्या निकालता हूँ? और प्रेत जन्य जितनी भी बीमारी है, प्रेत प्रत्येक बीमारी में आपकी बढ़ावा देता है, प्रेत जन्य जितनी बीमारी है वे अपने आप ऑटोमेटिकली यूं खत्म होती है चुटकियों में, आगे करके दिखाता हूँ बाकायदा। इतनी गांठें हैं, इतने ऑपरेशन बोल दिए डॉक्टर ने, और तुरंत करके दिखाता हूँ, देखो कोई गांठ नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, हैं? आप 3 बार आते हैं माइग्रेन कहाँ चला जाता है, 3 बार आते हैं डिप्रेशन कहाँ चला जाता है, 2-3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं सर्वाइकल कहाँ चला जाता है, डॉक्टरों के यहाँ नहीं जाते 20-20, 30-30 बार, 50-50 बार नहीं जाते, 10-10 दिन के लिए एडमिट नहीं होते डॉक्टरों के यहाँ, बोलो जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं जी। और फिर भक्तों के तो घूमते ही फिरते रहते हो। कल वो लड़की आई, पहले 6 महीने ठीक रह गई, बीच में कहीं किसी और के यहाँ चली गई, 40,000 रुपए उससे मांगे, 15,000 रुपए किसी और को देके उसका पति यहाँ ठाके लेके आया उसको, कल तुम्हारे सामने दिखा दिया ना, और डॉक्टरों ने उसके 15 लाख रुपए मांगे कुलों के ऑपरेशन के, तुम्हारे सामने 1,000 बार उठा के बैठा के दिखा दिया, होया कुछ काम? फिर अरे धरा पे रह के तुम्हें जो करके दिखा देना वो दुनिया में सबसे बड़ा है, ये समझ लो तुम्हारे मनु भैया पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं, कहने की बात नहीं है। आज तक किसी महात्मा की हिम्मत नहीं हुई प्रेत निकालने की, आगे ना बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, आपको पता है आज भी ग्रस्त एक ग्रस्त नहीं है, आपको पता है बागेश्वर वाला ग्रस्त नहीं है, आगे अभी उनकी शादी नहीं हुई है पर ग्रस्त ही काम कर रहे हैं, महात्मा कहां काम कर रहे हैं, कर रहे हैं बोलो। फिर एक दो आते हैं वो भी ऐसे चक्रों में पड़ जाते हैं, एक की तो कल सजा हुई है बकायदा, फिर इसलिए हम पत्नी के साथ आते हैं, और मैं तो चाहता हूं बागेश्वर वाले भी बहुत जल्दी से शादी कर ले, ठीक है, और मुझे तो लग भी रहा है कि वो निमंत्रण देके आए हैं वहां का, तो शादी कर ही रहे हैं इस बार, और इस बार शादी कर रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बात है कि ऐसे महात्मा ऐसे संत जो हिंदू को जागृत कर रहे हैं किसी न किसी विषय में कि अपनी सनातन पत्ती को अपनाओ, ठीक है, तो उनकी संतानें भी फिर ऐसी होंगी विशिष्ट होंगी जो आगे चल के कुलों का नाम करेंगी, भारत का नाम करेंगी, विशिष्टता देंगी, इसमें ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं है, आया समझ में। और फिर आप महात्माओं की बात कैसे टाल सकते हैं? विशुद्धानंद जी महाराज ने खुद कहा, जबकि वो उस जाति के नहीं, खुद कहा कि ब्राह्मण की जो देह है वो गायत्री की देह है, उसका वर्ण ही अलग है, उसका तत्व ही भगवान ने अलग बनाया है, तो इसलिए। और ये देह कैसे बनती है अभी मैं बता दूं, आपने इस जन्म में सिद्धि कर ली, अगले जन्म में आपकी भी वही देह होगी भैया, सिद्धि करते करते वही देह बन जाएगी, वही वही वर्ण आपका, वही तत्व जागृत हो जाएगा। और ये
जो ब्राह्मण होता है ना, इसका एक तत्व जागृत करके भेजते हैं भगवान। ये तो अपनी ऊपर से गिरता है, नीचे आता है, जब ये भगवान को नहीं पूछता, नहीं मानता, और कुछ कुछ खाने लगता है, कुछ कुछ वो करने लगता है। आप खुद ही सोचो, उसने तो वो तो अपने उससे ऊंचाई से गिरा है, ना कि उठा है। आपने सोचा वो उठ गया, अरे उठा कुछ नहीं है। और ऐसे ब्राह्मण होने से कोई लाभ नहीं है कि मनु भैया ने एमकॉम कर लिया और एक रुपए की नौकरी नहीं मिली। आगे ना, आखिरकार कोई खोज ही की, एक रुपए की नौकरी नहीं है, जा नहीं सकते। मेरी बेटी तक को तो मिली नहीं, वो तो लड़की है, एडमिशन तक तो मिला नहीं, समझ लो टॉप करने के बाद एडमिशन नहीं मिला। और जिनके 62% थे उनको मिल गया, उसको 85% में नहीं मिला। मैंने बेटा कहीं और से पढ़ लेते हैं, बोला दुनिया तो दिल्ली में पढ़ने आ रही है, मैं कहीं और जाऊं पढ़ने के लिए। कमाल की बात कर रहे हो, ऐसा ब्राह्मण होना, गर्त में जाना है। बताओ तो हिंदुस्तान की परंपरा क्या है, क्या है यहाँ बताओ, यहाँ क्या है? यहाँ स्वभाव के अनुकूल, आपकी योग्यता के अनुकूल कुछ मिल रहा है क्या? कोई पद मिल रहा है क्या आपको? और एक आदमी इतना योग्य होता है, उसको कोई पद ही नहीं मिलता, सारी जिंदगी पैर एडी घिसता घिसता रह जाता है। ऐसा ब्राह्मण होना क्या है? मेरे यहाँ एक लड़के ने 5 बार एमए की, 5 बार एमफिल की, 5 बार, 1 साल की होती है एमफिल, 5 बार की, फिर उठा के दो उसको भी 2 साल का कर दिया सरकार ने, 5 बार की। उसके हमेशा 50% आते थे, चाहिए थे 55%, ठीक है, एडमिशन के लेने के लिए पीएचडी में, कदापि कभी नहीं हुए। बेचारे ने हार थक के क्या कहते हैं, एक दूसरा वो कर लिया कोर्स। क्या है ये, क्या ब्राह्मण पना हुआ और क्या ब्राह्मण हुआ? फिर शिक्षा की बात करते हैं, अरे योग्यता ही नहीं है, क्या ब्राह्मण हुआ? हाँ, सारी उम्र हो गई मेरे को कष्ट पाते ब्राह्मण होके, क्या ब्राह्मण हुआ? वही सुदामा वाला चरित्र रह गया, आखिरकार भगवान की ही शरण ली, उसी ने आंसू पोंछे, कोई आंसू भी पोंछने वाला नहीं था, किसने यही नहीं कहा आ जा तू मेरे पास, मैं तेरे को 2 रुपए की रोटी देता हूँ, रोजगार देता हूँ, क्या? अरे चावल मैंने बेच लिए, क्या काम नहीं किया, दवाइयां मैंने बेच ली ब्राह्मण होके, और पता नहीं कितने कितने काम करने पड़े अपने बच्चों को पालने के लिए, क्या ब्राह्मण हुआ? कौन कहता है ब्राह्मण श्रेष्ठ है? काहे का श्रेष्ठ, काहे का श्रेष्ठ, बोलो बोलो सुनिदेव महाराज की। तेरे को फलाने नाम पे 5% की छूट, तेरे को ढिगड़े नाम पे 10% की छूट। अरे योग्यता की छूट दो ना, जो योग्य है उसको छूट दो हर जगह, जो योग्य नहीं है, अयोग्य है, उसको क्या छूट दे रहे हो? जय शनिदेव।